हेलो नमस्ते दोस्तों, आज फिर से सरोज शर्मा किचन में आपका स्वागत है। आज आपको हम बिल्कुल सिंपल तरीके से, नए तरीके से आटे और मूली का नाश्ता कैसे बनाया जाता है उसकी विधि बताएंगे। और प्लीज अभी तक जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज कर लीजिए, सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेंगी। तो नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं। तो नाश्ता बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक पाव आटा लिया है, आपको जितना नाश्ता बनाना उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और ये मैंने 2 से 3 मूली ली है, तो हम मूली का नाश्ता बनाएंगे। मूली हमारी सर्दियों में बहुत ज्यादा फायदा करती है, तो इसका मैंने जो छिलका है वो निकाल लिया है। अब इसको हमें कद्दूकस करना है, और कद्दूकस हमें बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा मोटा करना है। तो इससे हमें कद्दूकस करना है, तो देख सकते हैं थोड़ा बड़ा साइज का है, ये थोड़ा मीडियम साइज का है, तो हमें मीडियम साइज से नहीं करना है, ये थोड़ा बड़ा वाला है। तो बड़े वाले से हम कद्दूकस करेंगे, क्योंकि बड़े वाले से कद्दूकस करेंगे तो जो इसके मोटे पीस निकलेंगे उससे जो हमारा नाश्ते का टेस्ट है वो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो देख सकते हैं जो मूली थी उसको मैंने इस तरीके से कद्दूकस किया, ये थोड़े देख सकते हैं बड़े पीस हैं। अगर आप छोटे वाले जार से करेंगे तो वो जो कद्दूकस नहीं हो पाएगा, बिल्कुल बारीक टुकड़े हो जाएंगे, बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा। अगर इसमें देख सकते हैं बिल्कुल पानी भी नहीं हमें नजर आ रहा है, पानी भी नहीं है, जो हमारा जो मूली का है वही टेस्ट आएगा। तो सबसे पहले जो मैंने आटा लिया था, आटा डालते हैं। और 2 चम्मच बेसन डालेंगे, इससे जो हमारा नाश्ते का टेस्ट है वो ज्यादा अच्छा आएगा। और हमें 2 बड़ी चम्मच चावल का आटा डालना है, इससे हमारा जो नाश्ता खस्ता बनेगा। आपके पास में अगर चावल का आटा नहीं है तो आप सूजी भी डाल सकते हैं, सूजी से भी जो नाश्ता होता है वो बिल्कुल खस्ता अच्छा बनता है। इसमें हमें अब मसाले ऐड करने हैं, आधी से भी कम चम्मच गरम मसाला डालेंगे। जीरा डालते हैं, मिर्च पाउडर डालते हैं, आपके स्वाद के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, जितना भी आप तीखा खाना पसंद करते हैं। ज्यादा हम इसमें अजवाइन डालेंगे, क्योंकि अजवाइन मूंगफली जो मूली का नाश्ता बन रहा है मूली में ज्यादा फेवरेट होती है अजवाइन, और हमारे वैसे भी शरीर के लिए अजवाइन ज्यादा फायदा करती है, इसलिए हमें अजवाइन का यूज करना ही चाहिए। आधी से भी कम चम्मच मैंने काली मिर्च पाउडर ली है, ये मैंने अमचूर पाउडर लिया है। और अब इसमें हमें नमक का यूज करना है, नमक डालना है। और एक बार सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये सभी मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसमें हमें पानी का यूज करना है, हम इसमें दही का यूज नहीं करना है। हरी मिर्च मैंने 1 काट रखी है, बिल्कुल तीखी वाली है, आपके जितना भी आप काटना चाहते हैं, जितनी आप और भी सब्जियां डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। और ये मैंने हरा धनिया थोड़ा ज्यादा काटा है। और जो मैंने मूली ली थी कद्दूकस करके वो भी डालेंगे। और जो मूली का पानी है वो भी हम डाल देते हैं इसी में, क्योंकि मूली और मूली का पानी बहुत ज्यादा फायदा करता है। और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बैटर हमारा तैयार हो चुका है, तो अब हमें तवा लेना है। तो
ये मैंने तवा ले लिया है, गैस मैंने ऑन कर दी, तो तवा भी हमारा गर्म हो चुका है। तो इस पर पहले हम सबसे पहले ऑयल फ्रीज करेंगे इस तरीके से, और गैस का फ्लेम हमें बिल्कुल कम रखना है। और जो हम हाँ बैटर लिया है उसको डालेंगे, तो बैटर को डालेंगे, तो हम हल्के हाथ से फैला भी लेंगे। तो ये देख सकते हैं मैंने फैला भी दिया है, और इसको हमें थोड़ा सा पतला ही रखना है, ज़्यादा मोटा पड़कर नहीं रखेंगे। और एक हमें इसको नाश्ते को एक पल में बहुत ही टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, 3 से 3 मिनट में सिक जाएगा, क्योंकि हमें बिल्कुल कम गैस पे इसको धीमी गैस पे सेकना है, क्योंकि मूली भी है, तो मूली भी हमारी थोड़ी सिकेगी, तभी हमें ये जो नाश्ता है ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो हमें 2 मिनट तो चाहिए इसको एक साइड से सेकने में, और गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रखेंगे। तो देख सकते हैं एक साइड से सिक चुका है हमारा नाश्ता, मैंने 2 से 3 मिनट इसको गैस पे बिल्कुल कम गैस पे रखा है। तो दूसरी साइड से भी देखते हैं, तो ये अच्छे से सिक चुका है। तो ये देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से सिक चुका है नाश्ता। तो हमें 2 से 3 मिनट लग जाएंगे अच्छे से बिल्कुल सेकने में, तभी ज़्यादा अच्छा लगेगा हमारा नाश्ता। और देख सकते हैं इसका कलर भी कितना अच्छा लग रहा है, ये देख सकते हैं दोनों साइडों से बिल्कुल क्रिस्पी सिक चुका है हमारा नाश्ता, देख सकते हैं कितना अच्छा सिकाया। तो अब इसको हमें निकालेंगे, निकालना है, और सभी को हमें इस तरीके से सेकेंगे। तो दूसरा वाला भी हमारा सिक चुका है, तो इसको भी हमें देखना है। तो देख सकते हैं बिल्कुल आराम से निकल जा रहा है, कितनी अच्छी तरीके से ये भी सिक चुका है। अब हमें सर्व करना है। तो ये मैंने हर धनिया की चटनी बनाई है, तो चटनी के साथ में ये ज़्यादा टेस्टी लगेगा नाश्ता हमारा, मूली और आटे का। और देख सकते हैं कितना अच्छा सिका है। तो हमारा मूली का और आटे का बनाने का नाश्ता कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और सर्दियों में ये नाश्ता बहुत ही हेल्दी है, और बिना बिल्कुल कम तेल में, मैंने इसमें बिल्कुल कम तेल का यूज़ किया है, बिल्कुल कम तेल में बनने वाला नाश्ता है, बहुत ज़्यादा पौष्टिक है, क्योंकि इसमें आटा भी मैंने यूज़ किया है और मूली भी यूज़ किया है। तो मूली तो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदा करती है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।